इनको ऐसा लग रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन करा तो बाजी ही रहे। मोहब्बत मजहब हो गई है मेरे लिए, अब हाथ जोड़ू या उठाओ फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ जान लगी हुई है तड़प, दूसरी तरफ लगी हुई है सलमान खान की अंतिम। अब कौन कितनी कमाई कर रही है और किसका कलेक्शन अब तक कितना हो पाया, कौन हिट हुई कौन हुई सुपर हिट, ये बात करने वाले इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतिम की। अंतिम द फाइनल टूट जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म के अंदर जो गैंगस्टर की लाइफ को दिखाया गया ना, उसे देखने के बाद हर कोई भाई बहुत चक्कर रह गया, क्योंकि इसके अंदर जो आयुष शर्मा है वो गैंगस्टर का किरदार इतना जबरदस्त निभा चुके हैं जिसे देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ ही कर रहा है। दूसरी तरफ सलमान खान जिनकी वजह से ही फिल्म चल रही है, जो कि कॉप के किरदार में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एक अलग ही टाइप का कॉप, यानी कि आपने रो देखा, यानी कि एक था टाइगर में रो का किरदार निभाया था चुलबुल पांडे का, लेकिन इसके अंदर जो सरदार है ना, जो पकड़ पकड़ के हड्डियां तोड़ रहा है, वो काफी जबरदस्त है दोस्तों। जी हां, आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया गया था वो 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था 3500 स्क्रीन पर। फर्स्ट डे की जो इसकी कमाई थी वो तो जबरदस्त थी, जी हां आपको बता दें जो थी 4,75,00,000 रुपये। और 4,75,00,000 रुपये कमाने के बाद, ओपनिंग करने के बाद, ये फिल्म 2021 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई दूसरे नंबर की, क्योंकि पहली तो सूर्यवंशी थी जिसे इवेंट यानी कि दिवाली पर रिलीज किया गया था, और फिर इस फिल्म ने किया एक वीक पूरा और इंडियन बॉक्स ऑफिस में इसने 28 करोड़ कमा लिए। जी हाँ, अब इस फिल्म को हो चुके हैं अपने 11 दिन पूरे, आज है 12वां दिन, तो ये फिल्म अब कितना कमा रही है। तो आपको बता दें भाई, कल भी ऑक्युपेंसी काफी अच्छी खासी बनी रही, और दूसरी तरफ लगी हुई है तड़प हान सेट्टी की फिल्म, तब भी इस फिल्म ने अपने 10वें दिन कमाए 2,25,00,000 रुपये, और कल था 11वां दिन, तो कल कमाए इसने अपने 80,00,000 रुपये इंडियन बॉक्स ऑफिस पे, और अपने 11 दिनों के अंदर इसने इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया है 36,27,00,000 का। बात करें इंडियन ग्रॉस कलेक्शन की तो ये कर चुकी है 40,85,00,000, लेकिन बात कर ले वर्ल्ड वाइड, तो किंग भाई वर्ल्ड वाइड भी काफी अच्छा खासा काम कर रही है ये फिल्म, तो ये 50 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है वर्ल्ड वाइड। लेकिन बात करें आज की, ये अपने 12वें दिन कितना कमा रही, तो आपको बताएं ऑक्युपेंसी 15-20% की है सुबह सुबह की, और जो ग्रोथ रेट है उसमें हल्का सा डाउन हुआ यानी कि 10% का, और ये फिल्म जो आज कमाती हुई नजर आ रही है वो कमाती हुई नजर आ रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 60,00,000 रुपये। तो उस हिसाब से ये फिल्म अपने 12 दिनों के अंदर काफी अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है, यानी कि 37 करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएगी। अब बात कर लें इस फिल्म को हिट होने के लिए कितनी कमाई करनी होगी। सबसे पहले बता दें इस फिल्म को अगर हिट होना है तो इसे 60 करोड़ कमाने होंगे, क्योंकि इस फिल्म को बनाया गया है 35 करोड़ के बजट में, 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, यानी 45 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनकर तैयार होगी, और इस फिल्म को हिट होना है तो भैया 60 करोड़ कमाने होंगे। वैसे तो डिजिटल राइट वगैरह बेचने के बाद ये फिल्म सक्सेसफुली हो चुकी है सुपर हिट भी, जी हाँ दोस्तों, बट यार बॉक्स ऑफिस पर होना भी तो जरूरी है। अब ये फिल्म कमाएगी या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। बात कर लें दूसरी तरफ लगी हुई है तड़प, चूंकि एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है आपको, जिसके अंदर आन सेट्टी आपको नजर आ रहे हैं डेब्यू करते बॉलीवुड में, भैया अन्ना का बेटा आ गया गन्ना चुसाने, आपको बता दूं इसके साथ साथ आपको तारा सुतारिया भी नजर आ रही है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 3 दिसंबर को 1600 स्क्रीन पे, और ओवरसीज इसे स्क्रीन मिली थी 450। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फर्स्ट डे की जो इसकी कमाई थी वो थी धुआंधार कमाई, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। आपको पता है इस फिल्म ने जो फर्स्ट डे कमाई की थी वो की थी 4,05,00,000 रुपये, जो कि काफी ज्यादा ही बड़ी है। जी हाँ, हाल फिलहाल में सत्यमेव जयते आई थी वो भी नहीं कर पाई इतनी। तो आपको बताएं इस फिल्म की कमाई ने इसे 3rd नंबर की बिगेस्ट ओपनिंग होने वाली फिल्म बना दिया 2021 की। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरे दिन अच्छा खासा ग्रोथ रेट देखा गया 10% का, और इस फिल्म ने कमाया 4,12,00,000 रुपये। वहीं तीसरे दिन आया संडे और इस फिल्म ने भाई ताबड़तोड़ कमाई की, जो थी 5,35,00,000 रुपये। देन फिर चौथा दिन आया जो कि इसने कमाई की 2,16,00,000 रुपये, और कल था 5वां दिन, तो कल भी इसने कमाई के मामले में कुछ कमी नहीं छोड़ी और ग्रोथ रेट सही का सही बना रहा, और इसने कमाई की 2 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अपने 5 दिनों के अंदर ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17,86,00,000 रुपये कमा चुकी है। बात करें ग्रॉस कलेक्शन की तो ग्रॉस कलेक्शन 18 करोड़ हुआ है, क्योंकि ओवरसीज जो इसका कलेक्शन है वो 1 करोड़ है, तो उस हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन है वो खाली 21 करोड़ रुपए ही हो पाया है दोस्तों, यानी कि अपने 5 दिनों के अंदर इसने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया। बात करें आज की, तो आज ग्रोथ रेट में 10% की कमी देखी गई है, ऑक्युपेंसी भी 15-20% की सुबह सुबह की बनी हुई है, और आपको बताया ये फिल्म जो आज कमाती हुई नजर आ रही है वो कमाती हुई नजर आ रही है 1,60,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना पैसा कमाना होगा। सबसे पहले बताएं इस फिल्म को बनाया गया था 20 करोड़ के बजट में, 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 30 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनकर तैयार हो गई। अब इस फिल्म को अगर हिट होना है तो इसे 45 करोड़ रुपए कमाने होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर 45 करोड़ ये पार करती है तो ही हिट हो पाएगी। तो भाई आपको क्या लगता है, ये फिल्म हिट होगी या नहीं, जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।